हेलो बच्चों, वॉइस लर्निंग में आप सबका स्वागत है। चलिए एक नई सीख और एक नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आपसी सद्भाव। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, लोगों के लिए पीने का पानी ना रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वो जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मुश्कराजचूहा। चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वो एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरे और एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफ़ी सोचने विचारने के बाद मुश्क राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वो दयालु हाथी है। मुश्क राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मुश्कराज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज को मुश्कराज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज़ गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसकी बातें सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मुश्कराज के निकट लेकर जाकर बोला, नन्हे मियाँ आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मुश्कराज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मुश्कराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। ये मुश्क संहार बंद ना हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मुश्कराज आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मुश्कराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज आपने मुझे जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि ये नन्हा जीव हमारे किसी काम क्या आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मुश्कराज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों को पकड़ने जाने की से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबा कर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्सा का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिंगाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा,
लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वो भैंसा छोटा था तो एक बार वो एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंगाड़ सुनकर वो दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। वो चीखा, ये कैसे अन्याय है? गजराज बताइए क्या करूं, मैं आपके छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर खंडर नगरी जाओ और चूहों के राजा मुश्कराज को सारा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मुश्कराज के पास आया और सारी बात बताई। मुश्कराज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसों की पीठ पर बैठा और वो शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचा। चूहे भैंसे की पीठ पर से कूद कर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदा की रस्सी कट गई, वो गजराज आजाद हो गए। आपसी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को ये कहानी से कुछ सीखने मिला होगा और आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।